आज मैं फिर एक बार आपके साथ आपके सब्जेक्ट सामाजिक नित्य नियोजन और विकास से संबंधित आज का टॉपिक है सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। इसके पहले हमें जाना था समझा था सोशल पॉलिसी के बारे में, इसके पश्चात सोशल प्लानिंग के बारे में और आज हम जानेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो आपकी जो कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं इसके माध्यम से आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझिए जानिए और तैयारी करिए। घर में रहकर सुरक्षित रहकर खुद को भी सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित करिए। तो चलिए हम जानते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट क्या होता है इसके पहले आपने जाना सामाजिक नीति और सामाजिक नियोजन। इस सामाजिक नीति और सामाजिक नियोजन के माध्यम से ही व्यक्ति का या समाज का विकास होता है या किया जाता है। विकास के लिए पहले सामाजिक नीतियां बनाई जाती और उन्हीं नीतियों के अनुसार फिर नियोजन किया जाता है कार्यक्रम बनाने के लिए और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए। तत्पश्चात उस क्षेत्र का विकास संभव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी चीज का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, उसका विकास। जैसे हम कह सकते हैं कि समाज में सामाजिक या जनतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाना विकास कहलाता है। सामाजिक विकास में यह एक वांछनीय तत्व है। जिस प्रकार हम मान लेते हैं कि जीवधारी के शरीर में क्रमशः नए नए अंगों का विकास होता है और वो नए नए कार्य करते रहते हैं, इसी प्रकार से जैविक जीवधारी में सभी दिशाओं में वृद्धि होती है। अगर हम माने कि मानव शरीर में किसी एक अंग का विकास हो बाकी अंगों का विकास ना हो उसे विकास नहीं कहेंगे। यानी कि हमारा जो मानव शरीर है किसी भी जीव का विकास है वो नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से, कहीं ना कहीं कोई कमी हो गई जिस वजह से उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया। विकास का तात्पर्य है समाज में समायोजन को बढ़ाना जिसे सामाजिक विकास में प्रमुख माना गया है। सामाजिक विकास में आंतरिक चेतना का विकास होता है, इसे शामिल किया जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट के कई चरण हो सकते हैं, कई प्रकार से सामाजिक विकास होता है। जो विकास की प्रक्रिया है वो कई प्रकार की होती है क्योंकि विकास एक बार में पूर्णतः नहीं होता, उसके अलग अलग चरण हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं उद्विकास, क्रांति, विकास या प्रगति, ये भी क्या है, ये विकास के ही अलग अलग रूप है। लेकिन हम उद्विकास को, प्रगति को, क्रांति को विकास नहीं कह सकते। उद्विकास में एक क्रमिक परिवर्तन होता है सरलता से जटिलता की। प्रगति क्या होती है, प्रगति का तात्पर्य है किसी एक वस्तु का, किसी एक जीव का, किसी एक मानव का विकास या वो अपनी प्रगति कर रहा होता है क्योंकि उसमें सिर्फ उसी का नित्य समाया होता है। सभी मानव जाति का या समुदाय का या राष्ट्र का विकास उस चीज में नहीं समाता है, इसलिए हम उसे विकास नहीं कर सकते। विकास का तात्पर्य है कि जनतांत्रिक मूल्यों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बढ़ना। विकास एक क्रमिक उन्नति होती है। अब हम जानते हैं चलिए इनकी अवधारणाओं के बारे में। हॉब हाउस के अनुसार हॉब हाउस ने अपनी अवधारणा में अलग अलग बातों का जिक्र किया है, जैसे कि सामाजिक विकास और नैतिक विकास की अवधारणा, सामाजिक तत्वों का विकास,
इसने अपनी अवधारणा में इन चीजों को शामिल किया है, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर सोशल डेवलपमेंट की, यानी सामाजिक विकास की, तो जब सामाजिक विकास होगा तो हमारी जिम्मेदारी होती है वहां भी समाज का नैतिक विकास हो, तभी हम इसी समाज को पूर्ण रूप से विकसित मानेंगे। वहां पर सभी के साथ एक समानता हो, समान अवसर होने चाहिए, कोई भी कार्य करने के, अपने उन्नति करने के उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, तभी हम सामाजिक विकास को सफल मानेंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं सामाजिक विकास के अर्थ के बारे में। जो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास एक क्रमिक उन्नति है। जिस प्रकार एक बच्चे का युवा अवस्था में जाना या युवा अवस्था को प्राप्त करना शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, यानी कि जब एक बच्चे का पूर्णतः विकास हो जाता है उसके जन्म से लेकर उसके युवा अवस्था तक या मरने तक, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसके मानसिक और शारीरिक विकास के कारण। अगर हम मान लें उसका मानसिक विकास ना हुआ और सिर्फ उसका शारीरिक विकास हुआ तो हम ऐसा मानेंगे कि उस बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हुआ, वह विकास उसका अवरुद्ध हो गया। जब उसके सभी पक्षों का पूर्ण रूप से विकास होगा, शारीरिक मानसिक, तभी हम कहेंगे वो बच्चा ये पूर्ण विकसित है। अतः परिवर्तन क्या है, अतः विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें विभेदीकरण की वृद्धि होती है, यानी कि विभेदीकरण या अलग अलग अवस्थाओं में जाना। विभेद उत्पन्न करना, जिस प्रकार हम मान लेते हैं मानव जाति में लिंग के रूप में पुरुष या महिला, इन दोनों में विभेद किस कारण होता है, लिंग के कारण, और किस वजह से, इनकी शारीरिक बनावट और वैयक्तिक गुणों के कारण। अगर महिला और पुरुष में शारीरिक बनावट एक तरह की हो जाए तो क्या कहेंगे, उस पुरुष या स्त्री अपने विकास में पिछड़ गया किन्हीं ना किन्हीं वजहों से। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की विशेषताओं के बारे में। जो हमारा सामाजिक विकास है उसकी विशेषता है, तो सामाजिक विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी कि यह संपूर्ण यूनिवर्स में होती है, ऐसा विश्व का कोई क्षेत्र नहीं है या कोई कोना नहीं है जहां पे विकास ना होता हो, या वहां के सामाजिक विकास, वहां की प्रकृति का एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन ना होता हो। तो प्रमुख विशेषता इसकी क्या है, पहले यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह हर जगह होती है। दूसरा है जागरूक एवं अजागरूक प्रक्रिया,
जागरूक एवं अजागरूक। जागरूकता से मतलब है कि वैचारिक रूपरेखा, जब समाज जागरूक होगा तो अपने विकास के लिए कोई न कोई एक रूपरेखा तैयार करेगा, अगर वह जागरूक नहीं होगा तो उस समाज का विकास अवरुद्ध होगा, वहां भी सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जागरूक एवं अजागरूकता की प्रक्रिया जो है एक सतत प्रयास के कारण स्वतः ही निर्मित हो जाती है, यानी कि व्यक्ति या समाज जागरूक है तो स्वतः ही अपने विकास का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। दूसरा है, इसके बाद तीसरा है वैचारिक आधार। वैचारिक आधार, यहां पर विचारों की महत्ता होती है। जिस समाज में व्यक्तियों के विचारों को महत्ता दी जाती है वहां पर विकास होना स्वाभाविक है, यानी कि सभी के विचारों को समाहित करना। इसके पश्चात अगला है अनेक विकल्पों की विद्यमानता। अनेक विकल्प का तात्पर्य जो हमारे पास संसाधन तकनीकी कौशल मौजूद है उन तकनीकी संसाधनों में हम किन संसाधन का उपयोग करें ताकि जो हमारा विकास हो अच्छी तरह से सुसंगठित ढंग से हो, और जो हमें सुविधा अनुसार या सुविधाजनक लगे उसी संसाधन या तकनीकी का हमें उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है लौकिक परिवर्तन की परिचायक। सामाजिक विकास की विशेषताओं में ये अंतिम विशेषता है लौकिक परिवर्तन की परिचायक। विकास का संबंध शारीरिक परिवर्तनों से होता है और धर्म व आध्यात्मिकता से नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।